विजय सक्सेना। देखा मिस्टर विजय सक्सेना, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी दुनिया के सामने तुम एक छोटे से मासूम से बच्चे नजर आते हो। मजा आया ना मिस्टर विजय सक्सेना? जे जे, तूने एक सोते शेर को जगाया है। ये शेर चीतों को रहने दो विजय सक्सेना, जगाना है तो अपने अंदर के चौकीदार को जगाओ। खतरा भी टला नहीं है, तू क्या समझता बेवकूफ? मैं तुझसे कह रहा हूं इडियट, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जीजे। अरे तूने मुझे पकड़ा ही कहा है जो नहीं छोड़ेगा? मेरी एक और बात अच्छी तरह से सुन ले। अगर एक ऐसी चाल चली है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा शहर मेरे घुटनों पे होगा, रोक सकता है तो रोक ले, बाद में पछताना ना पड़े। हाँ ठीक है विजय सक्सेना, अब मजा आएगा विजय। बोल तुम लोगों को किसने भेजा है? जे जे साहब, जे जे साहब, जे जे। अदालत में पेश किए गए गवाह और सबूत जाहिर करते हैं कि जे जे कॉर्पोरेशन के काम करने के तौर तरीके ना तो कानूनी है ना ही जायज है। इसके अलावा कई बेनाम कंपनियां और खाते नजर में आए हैं जो जे जे कॉर्पोरेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये अदालत जे जे कॉर्पोरेशन को एक हफ्ते की मोहलत देती है अपने सही खाते, बेनामी सौदों का हिसाब और अपनी सफाई अदालत में पेश करने के लिए। इस बीच जे जे कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके गोदामों से बरामद किया गया माल अदालत के कब्जे में रहेंगे। मिस्टर सक्सेना, मिसेस सक्सेना अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन
लेकिन क्या डॉक्टर? हमने उनकी आवाज वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो बोल नहीं पाएंगी। हिम्मत रखिए आप। संजय, तुम बॉबी को लेकर घर जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है भैया, चलो बॉबी। वो हरामजादी अभी तक जिंदा है हॉस्पिटल में। हमें इतना दुख पहुंचाने के बावजूद वो अभी तक जिंदा है? अरे उसके साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दो, जाओ सीधा अस्पताल जाओ, किल द मॉल। ठीक है भैया। Excuse me, doctor. Yes, please. How is Mrs. Saxena? Mrs. Saxena is all right. लेकिन अब वो बात नहीं कर सकती हैं। उनका वोकल कॉर्ड डैमेज हो गया है। इस समय वो ऑब्जर्वेशन में हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? सॉरी सर। मिलकर हमें बर्बाद कर दिया, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं डॉक्टर लेकर आता हूं।
खत्म नहीं हुआ विजय सक्सेना, अब तो और भी हिसाब चुकाना बाकी है। मैं अब ऐसी चाल चलूंगा कि ये धरती कांप उठेगी। आप लोग जल्दी बात कर लीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। छोटू भैया, भैया ये ले, भैया ये ले जल्दी। आराम से छोटू। छोटे इतना मारा तेरे को, इतना मारा, तेरे एक एक जख्म के बदले मैं खून की नदियां बहा दूंगा छोटे, खून की नदियां बहा दूंगा। भैया मुझे यहां से बाहर निकालो। पर थोड़ा वक्त और छोटू, वो खुद इंस्पेक्टर तेरे को बाहर तक छोड़ने आएगा छोटे, वो खुद तुझे छोड़ने आएगा, बस थोड़ा सा वक्त और। जय साहब आप जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। खतरे में तुम नहीं, अब खतरे में दुश्मनों की जिंदगी पड़ जाएगी।